नमस्कार, पंजाब केसरी डॉट कॉम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। किसानों की दिल्ली में एंट्री रोकने की तैयारी पर आपका बड़ा बयान सामने आया है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में किसानों का प्रवेश रोकने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। सिंघू बॉर्डर की दोनों सर्विस लेन बंद कर दी गई हैं। अब केवल फ्लाईओवर से ही आवाजाही की अनुमति है। किसानों के मार्च रोकने के लिए केंद्र सरकार के उपाय को आप नेता गोपाल राय ने अंग्रेजों से भी ज्यादा निर्दय, क्रूर और तानाशाही पूर्ण बताया। क्या कुछ बोले केंद्रीय मंत्री गोपाल राय, चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को जो शांतिपूर्वक आंदोलन का ऐलान उन्होंने किया है उसे रोकने के लिए जिस तरह की दरिंदगी, जिस तरह के सभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से किले ठोक रही है सड़कों पर, जिस तरह से दीवार खड़ी की जा रही है सड़कों पर, जिस तरह से चारों तरफ जो है बैरिकेड करने की कोशिश हो रही है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है बॉर्डर्स के इलाकों में, जिस तरह से वहां पुलिस गांव-गांव में जा घूम करके अनाउंसमेंट कर रही है कि जो किसान में आंदोलन में शामिल होगा उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, बैंक अकाउंट जब्त किए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पेट्रोल पंप पर उनको पेट्रोल डीजल न देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा तो आजादी की लड़ाई के दौरान जब यह देश गुलाम था तब भी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से जुड़े कई किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का फैसला किया। किसान संगठन अपनी उपज के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए मार्च करने का निर्णय कर रहे हैं। गोपाल राय ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, तपती धूप, कड़कड़ाती ठंड और बारिश में किसान अन्नदाता देश का पेट भरते हैं, लेकिन उन्हीं की नहीं सुनी जा रही। और क्या कुछ बोले मंत्री गोपाल राय, सुनिए। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को किसी तरह से कत्ल करने के लिए ये सरकार उतारी हुआ भारतीय जनता पार्टी जो ये किले ठोंक रही है, ये किसानों के दिलों पर किले ठोंक रही है, उनके सीने पर ये किले ठोंक रही है जो किसी भी कीमत पर देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसानों की जो मांग है एमएसपी का गारंटी कानून लाने की, पिछली बार अगर याद होगा आपको कि इस जब देश में किसानों का आंदोलन चला, तीनों जो काला कानून था उसको सरकार ने वापस लिया। खुद प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि एमएसपी का कानून लाया जाएगा, लेकिन अब चुनाव आ गए और किसानों को वादा करके धोखा दिया गया है। किसान आज मजबूरी में एक कदम उठाने को तैयार हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की जगह जिस तरह के दमन चक्र की तैयारी कर रही है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। तो देखा आपने कि दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मैं केंद्र से आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील करता हूं। देखने वाली बात ये होगी कि अपील को कितना सुना जाता है। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।